डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक्स आ चुके हैं। हालांकि आज थोड़ा कई कारणों से डिले हुआ, लेकिन इसमें हमने एक बड़ा बदलाव आज किया है। टाइम के हिसाब से हम अपनी कंपैटिबिलिटी को भी चेक करते रहेंगे कि टाइम के हिसाब से हम कितने टॉपिक्स कर सकते हैं। तो ओवरलोडेड नहीं होना है, टॉपिक्स अब आपके कम कर दिए गए हैं। देखिए, 6 टॉपिक्स अब होंगे। ये 6 टॉपिक्स, 2 हिस्ट्री, 1 साइंस, 1 ज्योग्राफी, 1 पॉलिटी और 1 बिहार से। ये भी टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन के टॉपिक्स हैं, इन्हें अब आपको अच्छे से करना है। ये लास्ट टच है, इसमें बचना कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप स्क्रीनशॉट पहले लें, इनके स्क्रीनशॉट्स आप ले लें अच्छे से, क्योंकि आपको इन टॉपिक्स को करना है जिनके पेजेस बहुत कम हैं। पहला टॉपिक जो हमने लिया है अगेन, वो है महाजनपदा युग। अब देखिए, आप पढ़ चुके हैं, ये सेकंड टाइम आप अटेम्प्ट लेंगे, लेकिन हर टॉपिक को आप 2 बार कम से कम पढ़ेंगे। और जिनके पास क्राउन और लुसेंट है वो 3 बार पढ़ें। 1.5 से 2 पेजेस में मैक्सिमम ये टॉपिक्स हैं, आपको 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए, इसलिए कि इस पर टेस्ट होगा और तब हमें पता चल जाएगा कि आपने इसे कितने अच्छे से रिवाइज किया है। दूसरा टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं वो भी हिस्ट्री में, रेनेसां ले रहे हैं, पुनर्जागरण ले रहे हैं, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। इस टॉपिक को अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं इग्नोर करते हैं, वो महात्मा गांधी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर मौर्य काल, गुप्त काल में लगे रहते हैं। ये पुनर्जागरण काल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा काल जब भारत में 1857 का महासंग्राम हुआ और उसके बाद की परिस्थितियों से उत्पन्न कांग्रेस की स्थापना तक के बीच का काल। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, तो ये सब आप करेंगे। जो संस्थापक कौन थे, कब इसकी स्थापना हुई, कहाँ स्थापना हुई और क्या इनके स्लोगन्स थे, वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास, तो ये सब कहाँ से किसने दिए, तो ये सब करेंगे आप। थियोसोफिकल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल एलकॉट, तो ये सब आपको समझना है कहाँ इसकी स्थापना हुई, आर्य समाज कहाँ स्थापित हुआ। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है वो ज्योग्राफी का टॉपिक है, आर्द्रता और वर्षा, यानी ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। ये क्या है इसमें आप करेंगे, देखिए ओस, पाला, ये सब आपको समझना है। डिस्टेंस इसमें क्या है, फॉग है, मिस्ट है, ये सब क्लाउड है, इसके डिफरेंसेस आपको समझना है, कैसे मिस्ट बन जाता है, कैसे पाला हम किसे कहते हैं, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, सापेक्षिक आर्द्रता किसे हम नापते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब इसमें पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है वर्षा, बारिश, बादल का बनना और कंडेंसेशन के बाद किस तरह का बादल बारिश का आता है। बादल के भी कई प्रकार हैं, कुछ बादलों से बारिश नहीं होती, तो कौन सा बादल हमें बारिश कराता है, रेनफॉल देता है, तो ये डिफरेंसेस आपको समझना है, पेजेस आपको देते जा रहे हैं। चौथा टॉपिक साइंस का है, साइंस का हमने लिया है सेल यानी कोशिका। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और समझने में भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये टॉपिक आप पढ़ के, सेल क्या है, किसने सेल को डिस्कवर किया, सेल के अंदर क्या है, जीव की, सभी जीव की आधारभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट है सेल, पूरा शरीर। जैसे घर में ईंट होता है उसी तरह से शरीर में सेल होता है। सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से शरीर बनेगा, ये तो आप सेल करें, सेल में आपको अलग अलग पार्ट्स हैं इसमें, वो आपको समझना है। सेल वॉल क्या है, उसको इसके केंद्र में कौन कौन सा जीव, जो जैविक पदार्थ है वो होता है, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब समझना है जहां तक संभव हो सके। कुछ में दिक्कतें आपको आएंगी लेकिन आप समझ लें। सेल पावर हाउस, सेल का पावर हाउस कौन कहलाता है, आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है, जैसे टर्मिनोलॉजी काफी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा आज का जो टॉपिक है वो है आपका पॉलिटी से, पांचवा टॉपिक पॉलिटी से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है, यानी मूल अधिकार, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया, इसका कंसेप्ट क्या है, फंडामेंटल राइट है क्या, 5 प्रकार के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, उसे समझना है, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन, ये सब आपको, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, ये सब समझने का प्रयास करना है कि क्या है फंडामेंटल राइट में, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या निर्णय आए, आधारभूत लक्षण संविधान के किस मूल अधिकार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिए, ये सब आपको समझना है। और लास्ट
बिहार से एक टॉपिक हम लोग डेली कर रहे हैं। अगर आप इससे सिर्फ पढ़ भी लेते हैं तो आपको एग्जाम में इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ये ऐसी मेरी आशा है। कम से कम एक बार रीडिंग भी आप दे दें, जितना भी समझ में आ जाए। डेटा तो पुराने हो चुके होंगे, आज इंडस्ट्री हमने लिया उद्योग, तो उद्योग पहली औद्योगिक नीति जो देश की आई बिहार के संदर्भ में उसका क्या कंटेक्स्ट था, बिहार की औद्योगिक नीति कब आई, चीनी में देखिए हम स्वतंत्रता के समय जब इंडिपेंडेंस देश को मिला तो चीनी के उत्पादन में हम टॉप के राज्यों में से थे, तो चीनी मिलें पहली कहाँ स्थापित हुई, उसके बाद जूट का हमारे यहाँ अच्छा है, उसके बाद दूसरे सारे क्षेत्रों को औद्योगिक संदर्भ में आपको पढ़ना समझना है। तो आज के ये 5-6 टॉपिक्स आपको दिए जा चुके हैं, आप इन्हें अच्छे से समझ कर पढ़ें और इसे रिवाइज करें 2-3 बार, तब आप समझेंगे। तो अपना ध्यान रखें, ये आज के 6 टॉपिक्स आपको करने हैं। कल आपको बल्कि रात तक एक नया एपिसोड फिर आ जाएगा, तो इसे आप अच्छे से करें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, हमें इजाज़त दें, टेक केयर।